to Rising Suns Academy. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर। गाइस, आज 28 जुलाई 2021 और हम देखेंगे 28 जुलाई का करंट अफेयर। सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें, बने रहें वीडियो के अंत तक हमारे साथ। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपके लिए दिवस से संबंधित है। प्रश्न क्या है? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF स्थापना जो दिवस है वो निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? CRPF फाउंडेशन डे आपसे पूछा जा रहा है, तो बताइए किस दिन मनाते हैं। ऑप्शंस आपके हैं 10 जनवरी, 12 मार्च, 27 जुलाई या फिर 30 जून। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 27 जुलाई। 27 जुलाई को मनाते हैं CRPF का स्थापना दिवस। और 82nd नंबर का यानी कि 82वें नंबर का ये राइजिंग डे था CRPF का, 27 जुलाई को मनाया गया। हर वर्ष मनाते हैं, ठीक है, तो इस वर्ष भी मनाया गया। अच्छा, जो CRPF है इसका मोटो क्या है? इसका मोटो है सर्विस एंड लॉयल्टी। क्या? सर्विस एंड लॉयल्टी इसका मोटो हो जाएगा, तो ये भी आप याद रखिए। और ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर था 27 जुलाई। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अच्छा, कल मैंने आपको पढ़ाया था 26 जुलाई। 26 जुलाई को क्या मनाते हैं? कारगिल विजय दिवस। क्या? कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। और 26 जुलाई 1999 पर हमने कारगिल पर विजय प्राप्त की थी और इसके लिए चलाया गया था ऑपरेशन विजय, ये भी मैंने आपको बताया था, तो ये भी याद रखिए, ठीक है। तो इस प्रश्न से संबंधित इतने तथ्य आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। आपके लिए अगला प्रश्न है, सी विजय कुमार को इनमें से किस आईटी कंपनी के नए अध्यक्ष और एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये कौन सी आईटी कंपनी के अध्यक्ष और एमडी नियुक्त हुए हैं सी विजय कुमार? ऑप्शंस आपके हैं HCL, टाटा मोटर, इंफोसिस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, HCL। सी विजय कुमार को HCL आईटी कंपनी का नया अध्यक्ष और एमडी नियुक्त किया गया है अभी हाल ही में, ऑप्शन ए सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का नया महानिदेशक निम्न में से किसे चुना गया है? तो कौन चुने गए हैं ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के महानिदेशक? ऑप्शंस देख लीजिए, राहुल सचदेवा, नासिर कमल, मनोज कुमार या फिर प्रकाश अग्निहोत्री। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नासिर कमल। तो नासिर कमल को चुना गया है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का नया महानिदेशक, ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपके लिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से संवाद करने के लिए निम्न में से किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो कौन सा पोर्टल है जो कि यूपी सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस देख लीजिए, up.elots.in, up.rozgar.in, up.mygovernment.in और up.digital.in। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो तो हो जाएगा ऑप्शन सी, up.mygov.in। gov मतलब गवर्नमेंट। अब प्रश्न देखिए, आप प्रश्न क्या है, जनता से संवाद के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो गवर्नमेंट किससे जनता से संवाद करी, तो mygovernment.in ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। और कहाँ पर लॉन्च किया गया? उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, इन्होंने हाल ही में कारगिल विजय दिवस यानी कि 26 जुलाई को ये लॉन्च किया, ये पोर्टल लॉन्च किया। अच्छा, केंद्र सरकार का एक पोर्टल था, केंद्र सरकार का पोर्टल था माई जीओवी करके केंद्र सरकार का पोर्टल था, जिसके हो गए हैं 7 साल पूरे। कितने? 7 साल पूरे हो गए हैं इस पोर्टल के। तो 7 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पोर्टल का शुभारंभ किया है अपने प्रदेश में, up.mygov.in। और अब क्या होगा कि सरकार के सहयोग से, भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश के नए पोर्टल का शुभारंभ किया गया है और इससे प्रदेश भी केंद्र सरकार के पोर्टल के साथ जुड़ जाएगा, तो ठीक है। तो ये मंशा है इस पोर्टल के पीछे, जनता से संवाद किया जाएगा। up.mygov.in कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिए। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपके लिए, इंडोनेशिया में निम्न में से किस द्वीप में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग फार्म पानी पर तैरता हुआ बनाने का काम सिंगापुर के सनसीप ग्रुप कंपनी को दिया गया है? तो ठीक है, तो ये जो प्रश्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा लीजिए, क्योंकि ये संबंधित है कहाँ से? एनवायरनमेंट से, आपके पर्यावरण से संबंधित है और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
तो देखिए आइए देखते हैं क्या है प्रश्न। इंडोनेशिया में एक बनने जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग फॉर्म, ठीक है, कौन सी कंपनी बनाएगी? सिंगापुर की कंपनी है जिसका नाम है सनसीप ग्रुप, इसके द्वारा बनाया जा रहा है। प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि इंडोनेशिया के किस द्वीप पर इसका निर्माण किया जाएगा, इस फॉर्म का निर्माण किया जाएगा। ऑप्शंस देख लीजिए, सुलावेसी द्वीप, वॉटम द्वीप, सुमात्रा द्वीप या फिर लोम्बोक द्वीप। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वॉटम द्वीप। तो वॉटम द्वीप पर बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग फॉर्म, ठीक है, तो सनसीप ग्रुप कंपनी के द्वारा बनाया जाएगा और सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग फॉर्म होगा ये दुनिया का। लगभग 1600 हेक्टेयर में ये फैला रहेगा, ठीक है, तो 1600 हेक्टेयर में ये बनने वाला है और इसका जो रिजल्ट होगा अच्छा होगा। तो यहाँ पर जो है ये काम किया जाएगा, ठीक है, और इसलिए किया जाएगा क्योंकि ये जो जलाशय है तो यहाँ पर सोलर फॉर्म को स्थापित करने से क्या होगा कि बाष्पीकरण को कम करने का एक अतिरिक्त लाभ मिल जाएगा और साथ ही साथ पानी की निकटता भी इस सोलर फॉर्म को कम तापमान पर संचालित करने में मदद करेगी, इसलिए ये इस स्थान पर जो है स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर? वॉटम द्वीप पर, इंडोनेशिया में स्थित है, ठीक है, याद रखिए ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपके लिए, किस देश के एक महान वैज्ञानिक ने एक प्रायोगिक परमाणु रिएक्टर की योजना का खुलासा किया है जिसे ठंडा करने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती है? तो ये बहुत ही अच्छी चीज है जो कि अभी प्रारंभ की गई है। किस देश के द्वारा प्रारंभ की गई है आपसे प्रश्न में पूछा गया है। तो परमाणु रिएक्टर, आप सभी जानते हैं जो परमाणु रिएक्टर होते हैं तो उनको क्या है ठंडा करना पड़ता है, उनको ठंडा करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है और बहुत ज्यादा पानी इसमें वेस्ट हो जाता है। तो इसी के लिए एक नया जो है अभी परमाणु रिएक्टर है उसकी योजना का खुलासा किस देश के द्वारा किया गया है? तो ये जो है ये बनाया है चीन ने। तो हाल ही में चीन के द्वारा घोषणा की गई है कि इसने एक प्रायोगिक परमाणु रिएक्टर की योजना का खुलासा किया है जिसे ठंडा करने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती है। ये जो रिएक्टर है, परमाणु रिएक्टर है, ये यूरेनियम की जगह तरल थोरियम पर चलेगा। अभी क्या होता है परमाणु रिएक्टर में यूरेनियम का यूज किया जाता है, लेकिन इसमें थोरियम का, लिक्विड थोरियम का यूज किया जाएगा। और इसके द्वारा क्या होगा, जब लिक्विड थोरियम का यूज होगा इस रिएक्टर में तो ये और जो पुराने रिएक्टर हैं या फिर कहें पारंपरिक रिएक्टर हैं तो उनकी तुलना में ज्यादा सुरक्षित होंगे, इससे प्रदूषण कम होगा, ठीक है। थोरियम क्या है, एक रेडियोधर्मी धातु है, ठीक है, यूरेनियम की तुलना में ये अधिक प्रचुर मात्रा में और काफी सस्ती भी है। तो इतने सारे इसके लाभ हैं और इसको प्रारंभ किया गया है अभी चीन के द्वारा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिए, एक परमाणु रिएक्टर जिसे ठंडा करने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि इसकी जो टेक्नोलॉजी है, इसको जो बनाया गया है, इस तरीके से बनाया गया है, इसका जो निर्माण है ऐसे किया गया है कि इसको ठंडा करने में पानी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है, ये अपने आप से ही ठंडा हो जाएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, चीन। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपके लिए क्या है, किस देश में हिंसक प्रदर्शन के बीच राष्ट्रपति कैस सैयद ने संसद भंग कर प्रधानमंत्री हिचेम मिचेची को उनके पद से बर्खास्त कर दिया है? तो ये जो काम है ये किया गया है ट्यूनेशिया में। ट्यूनेशिया में हिंसक प्रदर्शन हुआ, इसके बीच राष्ट्रपति कैस सैयद ने मुख्यमंत्री हिचेम, सॉरी वहां के प्रधानमंत्री जो है हिचेम मिचेची को उनके पद से बर्खास्त कर दिया है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, ट्यूनेशिया, ठीक है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखे, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए, ओलंपिक में पहली बार शामिल हुए स्केट बोर्ड स्पर्धा जो है इसमें से निम्न में से 13 साल की जापानी छात्रा ने गोल्ड मेडल जीत लिया है? तो ये 13 साल की जापानी छात्रा कौन है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इस प्रतियोगिता में? ऑप्शन देख लेते हैं, निशिया मोमोजी, मार्जर गैंस्टिंग, रयासा ली या फिर फुना नकायामा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए है निशिया मोमोजी। निशिया मोमोजी कहाँ की है, जापानी छात्रा है और इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल कहाँ पर, स्केट बोर्ड स्पर्धा में जो कि अभी हाल ही में ओलंपिक में शामिल की गई है टोक्यो ओलंपिक में, और ये 13 वर्ष की हैं, ठीक है, निशिया मोमोजी। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके लिए, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में कितने नए खेलों को शामिल किया गया है? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से स्टमक लगा के नोट कर लीजिए। अच्छा, पूछा जा रहा है टोक्यो में अभी नए खेलों को शामिल किया गया है तो ये कौन से हैं और कितने नंबर के हैं, देख लेते हैं। ऑप्शंस आपके हैं 7, 5, 10 या फिर 4। तो अभी हाल ही में 4 खेलों को ओलंपिक में शामिल किया गया है और ये खेल कौन कौन से हैं? तो एक हो जाएगा आपका कराटे, एक हो जाएगा आपका स्केट बोर्डिंग, अभी आपने देखा भी कि जापान की जो खिलाड़ी हैं उन्होंने इसमें पदक गोल्ड मेडल जीता है, तो स्केट बोर्डिंग हो जाएगा, एक हो जाएगा सफरिंग और एक हो जाएगा। अगले प्रश्न आपके लिए है,
किस देश के प्रसिद्ध लोक गायक फकीर आलमगीर का हाल ही में निधन हो गया है? तो ये किस देश के आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, फकीर आलमगीर, तो ये बिलोंग करते हैं बांग्लादेश से। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। बांग्लादेश के लोक गायक हैं फकीर आलमगीर, हाल ही में इनका COVID-19 की वजह से निधन हो गया है। सो गाइज, ये था आज का करंट अफेयर। आइए देख लेते हैं आज के लिए आपका प्रश्न। आज के लिए आपका प्रश्न है, वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 24 जुलाई को कौन सा पदक जीतकर इतिहास रच दिया है? तो कांस्य पदक, रजत पदक, स्वर्ण पदक, इनको कौन सा पदक मिला है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो गाइस आप सभी को करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करें। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर दे वीडियो को लाइक, कर दे चैनल को सब्सक्राइब, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ अपने स्टडी ग्रुप में और सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है आपका उस पर खूब सारा वीडियो को शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।